अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चने के चावल। चने के चावल के चावल को मैंने 15 से 20 मिनट पहले भिगो दिया था और चने के चनों को मैंने उबाल के रख दिया था। अब सबसे पहले एक कप ऑयल डालें, ऑयल डालें, ऑयल को जरा गर्म होने दें। अब एक अदद प्याज मैं इसमें डाल रही हूँ। प्याज को हल्का ब्राउन करना है। ज़्यादा तेल जान से नहीं करिएगा क्योंकि प्याज ज़्यादा लाल ना हो जाए। चमचा चलाती रहें बराबर ताकि प्याज एक जैसी लाल हो। थोड़ा लाल हो जाए तो मैं सबसे पहले इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डाल रही हूँ। उसके बाद 4 अदद हरी मिर्चें डाल दें। जीरे को हरी मिर्चों को डालने के बाद ज़रा थोड़ा सा इसको भून लें ताकि प्याज में हरी मिर्च की खुशबू भी आने लग जाए। अब इसके अंदर मैं 2 चम्मच लहसुन, 2 चम्मच अदरक डाल रही हूँ। दो अदद टमाटर डाल दें और कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच, नमक हसरे जायका डाल दें। अब इसे मैं थोड़ी देर के लिए ढाप देती हूँ ताकि टमाटर अच्छी तरह घुल जाए। टमाटर गल चुके हैं, ये देखें अच्छी तरह से। अब मैं इसमें चने शामिल कर रही हूँ। चने को मसाले में अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके बाद मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। लीजिए नाज़रीन, पानी उबल गया है। अब मैं इसमें चावल शामिल कर रही हूँ। चावल डालकर अच्छी तरीके से आप इसको मिला दें और अब 10 से 15 मिनट के लिए इसको ढाप के रख लीजिए। लीजिए नाज़रीन, चने के चावल तैयार है। अब इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।